Don't worry about the things you can't change. Yes, we could waste a lot of time and energy in worrying about the things we can't control, we can't change. The brutal truth of life is that we are not ready to accept the things, we are not ready to accept the situations, we are not ready to accept the people. लाइफ का सबसे कठोर सत्य यही है कि हम सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, हम लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, एंड इस वजह से हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं जिनको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, उन सिचुएशंस पे चिंता कर करके परेशान हो जाते हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर ही नहीं होती। आप लाइफ में कभी भी अपने प्रैक्टिकली डेली लाइफ के थॉट्स को ऑब्जर्व करना, आपके जो थॉट्स होंगे वो 5% थॉट्स ऐसे होंगे जो आपके लिए नेसेसरी हैं, जो आपके लिए ज़रूरी है, 95% आपके माइंड में अननेसेसरी थॉट्स आते होंगे। आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से कि मेरे साथ पास्ट में ये चीज़ें हो गई, ये क्यों हो गया, ये क्यों मेरे साथ ही हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होना था, ये बातें आप सोच रहे हैं, या फिर आप फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज से परेशान हैं कि यार फ्यूचर में मेरे साथ ये होगा, क्या मेरे पास पैसा होगा, क्या मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, क्या मेरा कभी कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। इन्हीं पास्ट एंड फ्यूचर के थॉट्स में हम लोग फंसे रहते हैं और कभी भी प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से जी नहीं पाते, हम उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें हम चेंज कर ही नहीं सकते। पास्ट में जो भी आपकी लाइफ में आपके साथ हो गया, जैसा भी आपके साथ आपका एक्सपीरियंस रहा हो, क्या उनके बारे में सोच के आप कुछ फायदा है? क्या आप पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है उसको आप चेंज कर सकते हो? आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उससे लर्निंग लेके अपने फ्यूचर को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। एंड फ्यूचर के बारे में भी अगर मैं ये सोच रहा हूं, सिर्फ मैं सोच रहा हूं कि क्या मेरे पास पैसा होगा, क्या मेरी हेल्थ ठीक होगी, क्या मेरा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, क्या मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम ना जाए, अगर मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं, बैठे बैठे सोच रहा हूं, कोई एक्शन नहीं ले रहा हूं, तो शायद ही आपके साथ हो भी सकता है। बट अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस से लर्निंग्स लेके अपने प्रेजेंट में एक्शंस ले रहे हो तो आपका फ्यूचर 100% आपके कंट्रोल में हो सकता है। बट अगर सिर्फ आप सोच रहे हो उन चीजों के बारे में तो आप कभी भी अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं, जो सोचते हैं कि मैं सारी सिचुएशंस को कंट्रोल कर लूं, जो आसपास मेरे लोग हैं मैं उनको कंट्रोल कर लूं, अगर मैं सिचुएशंस को कंट्रोल कर लूंगा, अगर मैं लोगों को कंट्रोल कर लूंगा तो मैं अपनी लाइफ में कुछ बैड होने से रोक सकता हूं। बट ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। आप सिचुएशंस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लोगों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप सिचुएशन और लोगों को कंट्रोल करने की सोचेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, आपको डिस्टर्बेंस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर सकते हैं। वो लोग आपके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपके साथ आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उस पे आपका माइंडसेट क्या होता है, इस पे आपका पूरा कंट्रोल है। सिचुएशंस आपकी लाइफ में जैसा आप चाहते हैं वैसी भी हो सकती हैं और जैसा आप नहीं चाहते वैसी भी हो सकती हैं, बट इन सिचुएशंस के ऊपर आपका क्या माइंडसेट है वो आपके कंट्रोल में है, सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। सो वी हैव टू स्टॉप वरी अबाउट द थिंग्स दैट आर नॉट इन अवर कंट्रोल। मैंने गोपाल दास जी का एक वीडियो देखा था, शायद आप सभी ने भी देखा होगा, कि उन्होंने चार्ट के एक्सप्लेनेशन से समझाया था कि लाइफ में दो वजह से लोग परेशान होते हैं, हर किसी की लाइफ में दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसको वो चेंज ही नहीं कर सकता, तो उसके बारे में सोचना क्यों, जब आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते भूल जाओ, इग्नोर दैट, उसके बारे में सोचना क्यों। और दूसरी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है जिसको आप चेंज कर सकते हो, जब आप चेंज कर सकते हो तो उसके बारे में भी सोचना क्यों, क्यों उसके बारे में चिंता करनी, चेंज कर सकते हो तो चेंज करो, चिंता नहीं करनी, चेंज नहीं कर सकते तो भी चिंता नहीं करनी, भूल जाओ। तो स्टॉप वरी अबाउट द थिंग्स दैट यू कांट चेंज इन योर लाइफ, स्टॉप वरी अबाउट द पीपल टू हुम यू कांट चेंज इन योर लाइफ, स्टॉप वरी अबाउट द सिचुएशन दैट यू कांट कंट्रोल इन योर लाइफ। अपने इन सब चीजों से बाहर निकलो, कंट्रोल फ्रीक मत बनो, अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना सीखो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव, योर माइंड इज द योर ग्रेटेस्ट एनिमी एंड योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड। ये आपका ग्रेटेस्ट एनिमी भी हो सकता है और ये आपका ग्रेटेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आपको इसको कंट्रोल करना आ गया तो बाहर की दुनिया तो आपके लिए ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी, अगर आप अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल नहीं करते हो और बाहर की चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, बाहर की चीजों के लिए परेशान हो रहे हो, तो फिर आप हमेशा परेशान ही रहने वाले हो, क्योंकि बाहर की चीजों को कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने अंदर की चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। जब अंदर से काम हो, अंदर से रिलैक्स हो, तो बाहर भी आपको काम नेचर दिखाई देगा, बाहर भी आपको रिलैक्सेशन ही दिखाई देगा। जैसा आपके अंदर चलेगा वैसा ही दुनिया आपको बाहर से
लगने लग जाएगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द माइंड सेट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप वरिंग अबाउट द थिंग्स दैट यू कांट चेंज इन योर लाइफ. आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप बदल नहीं सकते, तो उनके बारे में सोचने से भी कोई फायदा नहीं है. पास्ट के एक्सपीरियंसेस को भूल जाओ, उनसे लर्निंग लो और अपने फ्यूचर को इंप्रूव करने के लिए प्रेजेंट के अंदर एक्शन लेना शुरू करो. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग दैट आई वांट टू गिव टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये बातें समझ आई है एंड वी शुड स्टॉप वरिंग अबाउट द थिंग्स दैट वी कांट चेंज इन योर लाइफ. थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.